सो हेलो जी एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइज आज मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक है, तो मैं दो दिन से तो दवाई ले ही रहा था। आपको मैं अपडेट भी कर रहा था, मेरे लास्ट व्लॉग्स अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं आपको इतने दिन से बता ही रहा हूँ कि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो आज मुझे थोड़ा बहुत फिर भी फ़र्क पड़ चुका है मेरी तबीयत में, तो होप सो कल तक मैं प्रॉपर ठीक हो जाऊँ। तो गाइज आज मैं एक्चुअली फिर से व्लॉग लेट ही स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रॉपर व्लॉग शूट नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए मैं पहले से ही आपको सॉरी बोलता हूँ। तो गाइज अभी मैं शाम को गया था एक चीज़ लेने के लिए, एक दो महीने पहले की बात है। तो मैंने एक अपने लिए स्टोन जो है वो ऑर्डर किया था, अगर आप देख रहे हो तो गाइज ये वो स्टोन है जो मैंने ऑर्डर किया था। आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा कि ये चीज़ क्या है, तो जिनको तो पता है, जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ। तो गाइज ये जो चीज़ है, ये जो स्टोन है इसको बोलते हैं पायराइट। तो ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो इसके लिए कोई पेड प्रमोशन नहीं है गाइज, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं कोई प्रमोशन कर रहा हूँ या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये, मुझे पसंद आया था इस करके मैंने ऑर्डर कर लिया था इसको, बट ये आ नहीं रहा था बहुत देर से, दो महीने हो गए थे, तो फिर मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी, तो मैंने सोचा कि मे भी नहीं आएगा। लेकिन गाइज अब ये जब ये आ गया, तो इसके आने के बाद मैं ये सोच में रहा कि अब इसको पहनूंगा क्या। अब मैं सोच रहा था कि इसको काले धागे में पहन लेता हूँ, बट वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था, तो काला धागा मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सूट नहीं करता मुझे, तो सूट क्या मुझे पसंद ही नहीं है। तो मैंने, मेरे पास एक पुराना ना सिल्वर का कड़ा पड़ा था, चांदी का कड़ा पड़ा था, तो मैंने आज क्या किया, मैंने बुआ को बोला कि मेरा ये जो कड़ा है आप इसको चेंज कर दो और मेरे को इसके बदले में एक चेन ले दो, क्योंकि मुझे एक लॉकेट मैंने ऑर्डर किया हुआ है, मुझे वो लॉकेट डालना है, तो इसको आप चेन के साथ एक्सचेंज करके ले आओ। तो फिर वो कह रहे थे कि चलते हैं, तो फिर मैं अभी थोड़ी देर पहले ही गया था लेने के लिए। तो गाइज मैं वहाँ से लेके आया हूँ ये चेन, तो आप ये देख रहे हो, ये मैंने सिल्वर की चेन लाई है, तो अब इस चेन में मैं इसको डालने वाला हूँ। तो चलो गाइज इसको इसमें डालते हैं, तो अब मैं इस पायराइट को इस चेन में डाल रहा हूँ, और मैंने इसका पता भी कर लिया था कि हम इसको सिल्वर में पहन सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है गाइज। तो ये देखिए, ये मेरी चेन जो है वो बिल्कुल पायराइट के साथ तैयार हो गई है, और अब मैं इसको पहनने वाला हूँ, और ये मैंने इसको पहन लिया गाइस। और इसको पहनने में ना बहुत दिक्कत आती है गाइस, बहुत ही परेशानी आती है, मेरे को समझ में नहीं आता है इसका बटन कौन सी साइड है क्या है, बट मैं कोशिश पूरी करता हूँ। तो गाइस कर दिया मैंने इसको अपने से कनेक्ट, और ये हो गया, और ये देखिए गाइस कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। और गाइज ये जो है, ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये पायराइट है, पसंद आया था, मैंने इसलिए इसको ऑर्डर किया। तो अब जब मैंने इसको ऑर्डर कर लिया, तो फिर मैंने सोचा कि इसको पहन भी लेते हैं, बट पहनने के लिए मुझे कुछ मिल नहीं रहा था कि किस में डाल के इसको पहनूं, तो मैंने फिर उसके बाद ये मेरे पास जो कड़ा पुराना पड़ा था, एक्चुअली मेरे को बहुत देर पहले कड़ा था मेरे पास चांदी का, तो वो मैंने खोल के रख दिया था, तो मैंने कहा चलो इसको दे देते हैं, क्योंकि गाइज आई एम ऑलवेज शॉर्ट विथ फंड्स, मेरे को फंड्स की शॉर्टेज वैसे रहती है। तो मैंने वो कड़ा देके, तो मैंने ये चेन ले ली और उसमें अब ये डाल के, तो गाइज अब मैंने पहन लिया, आप मेरे को बताइए कैसा लग रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको दिखाने वाला हूँ डेली व्लॉग्स, फैमिली व्लॉग्स, और साथ ही साथ जम्मू एक्सप्लोरर व्लॉग्स, और जो बाहर जाता हूँ मैं उसके भी एक्सप्लोर करने के व्लॉग्स मैं आपको दिखाता हूँ मेरे चैनल पर। और साथ ही साथ मैंने आजकल कुछ एजुकेशन टिप्स भी स्टार्ट की हैं मेरे शॉर्ट्स में, अगर आप देखो मेरे शॉर्ट्स पर अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको वो भी दिख जाएंगी वहाँ पर। तो गाइज ऐसा कुछ सीन चल रहा, तो भगवान की दया से थोड़ा बहुत तबीयत में भी सुधार हो रहा है आस्ता आस्ता, अब मैं ठीक हो रहा हूँ। तो चलो गाइज अब चलते हैं गोलगप्पे खाने, क्योंकि आज मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का, तो चलो निकलते हैं। तो गाइज अभी सीन कुछ ऐसा हो गया था कि मैं गोलगप्पे घर ही ले आया हूँ, मैंने गोलगप्पे ले आए हैं घर पर, तो अब हम खाएँगे घर पर ही, क्योंकि बाहर कोई जा नहीं सकता था, तो इसलिए मैं लेके आया घर पर, हम खाएँगे गोलगप्पे। और गाइज किसी के चेहरे पर मुस्कान आ रही है यहाँ पर, हल्की हल्की मन,
मैंने कर दी है मेरे गोलगप्पों की रेसिपी तैयार। तो आपको दिख रहा होगा क्या मस्त मस्त लग रहे हैं, तो चलो अब खाते हैं। गाइस अभी गोलगप्पा पार्टी हो गई थी और इसके बाद मैं आ गया छत पे वॉक करने के लिए। तो अभी मैं कर रहा हूँ इवनिंग वॉक। तो क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही गाइस, आप भी देखिए ये झंडा आपको उड़ता हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे, इससे पता लगेगा आपको कि यहाँ हवा चल रही है और मस्त मौसम एकदम बादल हो रखे हैं ऊपर भी। तो हो सकता है रात को बारिश भी आए, और बारिश आनी भी चाहिए क्योंकि दो तीन दिन से बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है गाइस। करते हैं अब इवनिंग वॉक, मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी। गाइस अभी इवनिंग वॉक हो गई थी डन, तो ऊपर गरजने क्या गजब गजब बादल और साथ में चमक रही बिजली, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर हो गए प्रॉपर बादल। तो चलो गाइस अब चलते हैं नीचे। तो गाइस अभी हो गया था डिनर टाइम, और डिनर में है आज भिंडी की सब्जी, रोटी और मेरा पानी। तो चलो गाइस करते हैं डिनर, मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस अभी हम लोगों ने कर लिया था डिनर और त्रिजल आ गया यहाँ बारिश में नहाने। मैंने आपको बताया था ना कि मौसम ख़राब हो रहा है, और ये देखो क्या प्यारी प्यारी बारिश हो रही है, फाइनली मौसम ठंडा हो गया। तो त्रिजल के साथ साथ मैं भी आ गया था यहाँ पे बारिश में भीगने के लिए, नहाने के लिए, क्योंकि बरसात है भाई, नहाओ। तो गाइस मस्त मौसम हो रहा है नहाने का, तीजू कैसा मज़ा आ रहा है ना, है ना मस्त। ओ बाबरे लगेगी लगेगी लगेगी। इसी के साथ हम कर रहे हैं व्लॉग को यहीं पे एंड। होप सो आपको आज का व्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।